इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम को नेचुरल होम रेमेडीज से ठीक करने के आपको कई सारे फायदे होते हैं। नंबर वन, आपको इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होती है, इसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको जल्दी दिख पाते हैं, साथ ही आपको इसमें कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको अश्वगंधा और शतावरी के बारे में बताने वाला हूँ। आयुर्वेदा के अनुसार शतावरी और अश्वगंधा के कम्बिनेशन के इस्तेमाल से महिला और पुरुष के इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। अगर आपको हार्मोन की गड़बड़ी है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीरियड टाइम पर नहीं आती है, अंडे नहीं फूटती है, सारे रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो अश्वगंधा और शतावरी आपके लिए एक वरदान हो सकता है। सो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि अश्वगंधा और शतावरी का इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखें। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ये बताती है कि जब महिला का ओवरीज ठीक से काम नहीं करता है या ओवरीज से हेल्दी एक रिलीज नहीं होता है तो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। इसके साथ ही स्पर्म की क्वालिटी, मोटिलिटी और क्वांटिटी कम होने के कारण भी महिला कंसीव नहीं कर पाती है। कई केसेस में तो ये देखा गया है कि जो कपल्स अश्वगंधा और शतावरी के कम्बिनेशन को एक महीने तक लगातार यूज़ करते हैं तो उन्हें जुड़वा बच्चे होने के चांसेस भी ज़्यादा होती है। सो अश्वगंधा और शतावरी आपके इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को ठीक करके आपको जल्दी प्रेग्नेंट होने में मदद कर सकती है। रिसर्च स्टडी ये बताती है कि अश्वगंधा और शतावरी महिला के एंडोक्राइन सिस्टम को ठीक करता है, एड्रेनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने में मदद करता है। ये सारे हार्मोनल ग्रंथि महिलाओं में हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जिम्मेदार होता है। इसके साथ ही अश्वगंधा में कामिंग इफेक्ट होता है जो कि महिलाओं के स्ट्रेस हार्मोन को कम करने में मदद करता है। महिलाओं में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाने के कारण भी इनफर्टिलिटी आ जाती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अश्वगंधा और शतावरी का इस्तेमाल इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए और जल्दी कंसीव करने के लिए आपको कैसे करना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो भी मैं आपको होम रेमेडी सभी बताऊँगा, इसका इस्तेमाल हस्बैंड और वाइफ दोनों को करना है। सबसे पहले आपको अश्वगंधा और शतावरी का पाउडर परचेस कर लेना है। अश्वगंधा और शतावरी आपको कई फॉर्म में मिल जाती है, लेकिन आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर से अश्वगंधा और शतावरी का पाउडर ही परचेस करना है। ध्यान रहे कि वो अश्वगंधा और शतावरी 100% प्योर और ऑर्गेनिक होना चाहिए। वैसे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 100% प्योर और ऑर्गेनिक अश्वगंधा और शतावरी पाउडर का परचेस लिंक दे रखा है, आप चाहें तो वहां से भी इसे परचेस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक ग्लास हल्का गर्म दूध लेना है और उसमें आपको आधा चम्मच शतावरी का पाउडर और आधा चम्मच अश्वगंधा के पाउडर को मिक्स कर लेना है। आधा चम्मच इन द सेंस कि आपको हाफ टी स्पून शतावरी का पाउडर लेना है और हाफ टी स्पून अश्वगंधा के पाउडर को लेकर उसमें आपको मिक्स कर लेना है। इसे आपको दिन में दो बार पीना है, सुबह नाश्ते के बाद और रात में खाना खाने के बाद इसे आपको हर रोज पीना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी पीरियड चल रही है, अगर आपकी पीरियड अभी स्टार्ट है, तो पीरियड के दौरान इस होम रेमेडीज का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। जैसे पीरियड खत्म हो जाए उसके कल होकर आपको इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देना है और इसे आपको 1 से 2 महीने लगातार इस्तेमाल करना है। 1 से 2 महीने के अंदर में ही आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और आप कंसीव भी कर लेती हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या इस होम रेमेडी से, क्या अश्वगंधा और शतावरी को इस्तेमाल करने से आपको कोई इसके साइड इफेक्ट होंगे या नहीं। मैं आपको बता दूं कि शतावरी और अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक हर्ब है, एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होता है। और अगर आप जल्दी कंसीव करना चाहते हैं तो आपको अपनी ओवुलेशन को ट्रैक करना भी ज़रूरी है। मैंने ओवुलेशन पे कई सारे वीडियो बना रखे हैं कि ओवुलेशन का पता कैसे करते हैं, ओवुलेशन का क्या लक्षण होता है। उन सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह खास वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सेहत लाभ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।